हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। और आज कर रहे हैं हम ब्लाइंड टेस्टिंग रॉयल चैलेंज एंड रॉयल स्टैग की। जी हाँ, रॉयल चैलेंज वर्सेस रॉयल स्टैग, आरसी वर्सेस आरएस। इन दोनों विस्कीज के मैं रिव्यू कर चुका हूँ और काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि इन दोनों विस्की को ब्लाइंड टेस्ट करके चेक किया जाए कि कौन सी विस्की ज़्यादा बेटर है इन दोनों में से, क्योंकि रॉयल चैलेंज और रॉयल स्टैग दोनों ही काफ़ी फेमस विस्कीज हैं, बहुत ज़्यादा बिकती हैं। तो आई थिंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये टेस्ट रहेगा कि कौन सी विस्की ज़्यादा बेटर है अगर आप ब्लाइंडली टेस्ट करते हैं। और हालांकि रॉयल स्टैग मेरे राइट में है, बट दैट डजंट मीन कि ये वाली राइट वाली विस्की रॉयल स्टैग है। इन ग्लासेस को शफल कर दिया गया है तो मुझे नहीं पता कि कौन से ग्लास में कौन सी विस्की है। तो एक तरह से ये बिल्कुल ब्लाइंड टेस्टिंग होगी, एक ऑनेस्ट रिव्यू होगा जिसमें हम जानेंगे कि कौन सी विस्की ज़्यादा बेटर है इन दोनों में से। और इसके कोस्टर्स के नीचे लिखा हुआ है कि विस्की का नाम, तो एक बार हम जब डिसाइड कर लेंगे फिर हम चेक करेंगे कि कौन सी विस्की जीतती है। तो चलिए नोजिंग पर आते हैं और पहले इस विस्की को नोज करते हैं। काफी फेंट नोट्स हैं इसके, थोड़ा स्वर्ल करते हैं ग्लास में। अब काफी स्ट्रॉन्ग नोट्स हो गए हैं। स्पिरिट का जो एक भपका होता है जो आपको बजट विस्कीज में मिलता है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा मुझे सिर्फ मोलासेस के नोट्स आ रहे हैं, ज़्यादा कुछ नोट्स नहीं आ रहे हैं जो कुछ ज़्यादा बताती नहीं है, बिकॉज आई एम श्योर वो अल्कोहल का भपका और मोलासेस के नोट्स इन दोनों में से आएंगे मुझे। बट ओवरऑल नोज पर ज़्यादा प्लेजेंट नहीं है ये वाली विस्की। ये ट्राई करते हैं। डेफिनेटली आई वुड से कि काफ़ी सिमिलर हैं इन दोनों के नोट्स, बट इस विस्की में मुझे लग रहा है कि कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स ऐड करी गई हैं जो मुझे इसमें नहीं लगी। अगर आप वैसे इसे नोट्स करेंगे तो शायद आपको फील ना हो, बट इसको नोट्स करने के बाद जब मैं इस पर आया हूँ तो आई कैन फील समथिंग आर्टिफिशियल अबाउट दिस। कुछ वुड के नोट्स आ रहे हैं मुझे, मोलासेस के नोट्स तो काफ़ी ऑब्वियस हैं। अल्कोहल का जो भपका है वो मुझे इसमें से इतना ज़्यादा नहीं आया जितना मुझे इसमें से आया, बट लेट्स सी, अब टेस्ट करके देखते हैं कि दोनों में से कौन सी ज़्यादा बेटर है टेस्ट में। पहले ये वाली विस्की ट्राई करते हैं। स्वीट टेस्ट है काफी इसका, एकदम सब कॉर्न सिरप पी रहे हूं। काफी स्ट्रॉन्ग आफ्टर टेस्ट है, गले में काफी ज्यादा लग रही है मुझे ये विस्की जैसे जैसे अंदर जा रही है। तो ऑल्दो एक स्वीट टेस्ट वाली विस्की है, बट इट्स नॉट अ स्मूथ फिनिश विस्की। इसको पीने के बाद अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही ये ट्राई करने की, बट थोड़ा सा पानी पिया है मैंने अपने पैलेट को वापस थोड़ा नॉर्मल करने के लिए, बट अभी भी मैं वो बर्न फील कर पा रहा हूँ। बट चलिए इसे ट्राई करते हैं अब। स्लाइटली मोर स्मूदर देन दिस, गले में जब उतर रही है तो आपको चक्कू नहीं मारते हुए जाती। आई वुड से कि इन टर्म्स ऑफ टेस्ट दोनों ही आई वुड से कि काफ़ी एवरेज लगी मुझे। मैंने कोई भी दोनों में से कोई भी विस्की एंजॉय नहीं करी, बट आई विल से कि स्लाइटली मुझे ये विस्की बेटर लगी बिकॉज इट इज़ स्लाइटली मोर स्मूदर देन दिस। ये पीकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे गले में आग लग रही है, बट दिस वॉज रिलेटिवली बेटर। तो चलिए अब जजमेंट का टाइम आ गया है। नोजिंग पर मुझे ये विस्की थोड़ी बेटर फील हुई, ऑल्दो मुझे लग रहा है कि इसके अंदर कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स एडिड थी मैं फील कर पा रहा था, बट इट वॉज स्लाइटली सॉफ्टर ऑन द नोज एज कम्पेयर टू दिस। बट जो मैटर करता है वो होता है टेस्ट, और टेस्ट के मामले में आई फील दिस विस्की वॉज डेफिनेटली मच मच बेटर देन दिस। इसकी जो फिनिश है, आफ्टर टेस्ट है, अल्कोहल का बर्न है, स्मूदनेस, वो आई थिंक इस विस्की को एक बेटर विस्की बनाता है अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें। एंड फॉर द प्राइस, जो आई थिंक दोनों का प्राइस सेम है, तो उस प्राइस रेंज में अगर मुझे ऑप्शंस मिलेंगे तो मैं इस विस्की को चूज करूंगा। तो चलिए चेक करते हैं कौन सी विस्की है ये।
रॉयल स्टैग, जी हाँ रॉयल स्टैग इज द विनर. सो आउट ऑफ रॉयल चैलेंज एंड रॉयल स्टैग RS wins the race. सॉरी माल्या जी, हालांकि आपकी तो अब विस्की रही नहीं है, अब तो बेच दी आपने, कोई बात नहीं. उला ला ला ला. तो दोस्तों ये थी हमारी आज की ब्लाइंड टेस्टिंग बिटवीन रॉयल चैलेंज एंड रॉयल स्टैग. कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट्स में बताइए. अगर आप ऐसे किसी और विस्कीज की भी ब्लाइंड टेस्टिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि किन विस्कीज की देखना चाहेंगे. और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल पर सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए Cheers.